मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कार्ल मार्क्स की बायोग्राफी पढ़ेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं कि कार्ल मार्क्स हैं और इन्होंने पूरी दुनिया को सोशलिज्म और कम्युनिज्म का आइडिया सबसे पहले दिया था। ये जर्मनी के फिलोसोफर थे। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, इन्हें ठीक से देख लीजिए, आप इन्हें पहचान लीजिए। इनका जन्म 5 मई 1818 में जर्मनी में हुआ था। बर्नन 5 मई 1818 इन जर्मनी। इनका जन्म एक रिच फैमिली, वेल्दी फैमिली में हुआ था और अपने अर्ली एजुकेशन अपने फादर से मिला था, यानी कि शुरुआती इनको अपने एजुकेशन इनके फादर द्वारा ही दी गई थी। उसके बाद इन्हें इनका एडमिशन स्कूल में हुआ, देन गॉट स्कूल एजुकेशन। बचपन से इन्हें लिबरल आइडियाज अपने फादर से मिले। इनके फादर भी काफी एजुकेटेड और लिबरल विचारधारा के थे। जिस स्कूल में इन्हें एजुकेशन के लिए डाला गया, वो स्कूल भी अपने लिबरल आइडिया के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। स्कूल वॉज पॉपुलर फॉर गिविंग सेक्युलर एंड लिबरल आइडिया टू देयर स्टूडेंट्स। कई बार इनके स्कूल में जहां ये पढ़ते थे, गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा रेड भी डाली जाती थी कि बच्चों को रेडिकल आइडिया तो नहीं सिखा रहे, यानी कि परिवर्तनकारी विचारधारा तो नहीं सिखा रहे, ताकि आगे जाके स्टूडेंट्स सरकार के, गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। इनके पिताजी इन्हें चाहते थे कि लॉ की एजुकेशन ले, और इन्होंने अपने फादर की इच्छा को पूरी की और अपने लॉ में इन्होंने अपना लॉ की डिग्री पूरी करी। फादर वॉन्टेड टू स्टडी लॉ, सो गॉट स्टडीड लॉ। जहां भी ये जाते थे, इनके भले ये एक रिच फैमिली में पैदा हुए हो, बचपन से इनके आइडियाज लिबरल थे और रेडिकल्स थे। रेडिकल्स का अर्थ होता है परिवर्तनकारी, जो समाज में परिवर्तन बहुत जल्दी लाना चाहते हैं। अलग जो रेडिकल ग्रुप्स जहां भी जाते थे, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, ये उन स्टूडेंट से, उनसे साथ कनेक्ट हो जाते थे जो रेडिकल विचारधारा के थे, यानी कि समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। इनकी शादी एक वेल्थी फैमिली के लड़के से हुआ, जिनका नाम था जेनी वन वेट्स्ट फैलन, और ये भी काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और ये भी लिबरल और सोशल आइडिया के थे। इन 1836 गॉट डिग्री इन लॉ। लॉ पढ़ने के बाद भी इनका दिमाग फिलोसॉफी की तरफ था और इन्होंने हीगल, जो जर्मनी के एक फिलोसोफर थे, उनसे काफी इंस्पायर्ड थे। उनकी बहुत सारी इन्होंने किताबें पढ़ी, स्टडीड द फिलोसॉफी ऑफ हीगल्स एंड इंस्पायर्ड। हीगल की किताबें पढ़ते पढ़ते इनके रेडिकल थिंकिंग्स और ज्यादा बढ़ने लग गई। इनके लिबरल थिंकिंग्स भी काफी इम्प्रूव हुए। लिबरल थिंकिंग्स का मतलब है नो एक्सट्रीम राइट्स नो एक्सट्रीम लेफ्ट, यानी कि एक बीच का रास्ता अपनाना, अति मार्गी ना होना, एक्सट्रीम लेफ्ट भी ना होना और एक्सट्रीम राइट भी ना होना। ये जो लिबरल्स हैं, ये समाज में चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, उनका विरोध नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, तो कुछ अच्छे के लिए ही हो रहे हैं, चेंजेस को का स्वागत करते हैं। इन्हीं दौरान इनकी फ्रेंडशिप हुई दो पर्सन से, ब्रूनो और फ्रेडरिक एंजल्स। ब्रूनो से उनकी दोस्ती काफी लंबे समय तक नहीं चली, पर जीवन के अंत समय तक उनके दोस्त रहे फ्रेडरिक एंगल, जिनके साथ मिलकर उन्होंने काफी न्यूज़पेपर्स और किताबें भी लिखी थी। इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी। ये एक एथिस्ट थे। ज्यादातर कम्युनिस्ट अपने आप को एथिस्ट ही मानते हैं, वो भगवान पे भरोसा बिलीव नहीं करते हैं। ज्वाइन जर्नल्स, जर्नलिज्म इन्होंने उसके बाद न्यूज़पेपर एजेंसी ज्वाइन की, जर्नलिज्म को ज्वाइन किया और जर्मनी से निकलने वाले एक न्यूज़पेपर राइनलैंड न्यूज को ज्वाइन कर लिया। इस न्यूज़पेपर में ये अपने सोशल आइडियाज को स्प्रेड करने लगे, जिसकी वजह से इनको जर्मनी से बाहर निकाल दिया गया और ये जर्मनी से निकल के फ्रांस चले गए। फ्रांस में भी आपको जानते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आप सब जानते हैं कि थर्ड स्टेट ने काफी लंबे समय तक से उनके साथ जो हो रहे अत्याचार, इनइक्वालिटी के खिलाफ संघर्ष किया और इक्वालिटी गेन करी। तो फ्रांस में भी अपने आइडियाज को वही इनके जो सोशलिस्ट आइडिया थे, लिबरल आइडियाज थे, उन्हें स्प्रेड करते रहे। और आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका था यूरोप में, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का अर्थ है कि घर से जो सामान पहले घर के अंदर बनता था, अब घर से निकल के कहां बनने लगे, इंडस्ट्री के अंदर बनने लगे।
इंडस्ट्री के अंदर बनने लगे। अब इंडस्ट्री के अंदर बनने से क्या होता है, देखिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1760 से लेके 1870 तक। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले सारा सामान घर में ही बनता था और सब अपने हाथों से बनाते थे, एक लार्ज क्वांटिटी में सामान नहीं बनता था और अपने बनाए हुए सामानों को मार्केट में सेल करके लोग उससे अपना अर्निंग गेन करते थे। पर जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई, इन इंडस्ट्री में काफी हैवी हैवी मशीनें लगाई गई और इंडस्ट्री में काम करने के लिए वर्कर्स गांव से चल चल के इन इंडस्ट्री में आने लगे। इन इंडस्ट्री में जो काम करने वाले वर्कर्स होते थे उन्हें जो सैलरी है वो बहुत ही कम दी जाती थी, इंडस्ट्री में दिन के 8 या 10 घंटे खपाने के बाद उन्हें जो सैलरी मिलती थी वो बहुत कम होती थी और इससे जितना भी प्रॉफिट होता था वो ज्यादातर मालिकों के पास ही होता था। अब इंडस्ट्री से जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, जो मार्केट में जो सामान गया है उसको वो वर्कर्स उसी सामान को जिनको उन्होंने बना के दिया है उसी को ही वो बहुत ज्यादा पैसे में खरीदना पड़ रहा था। सपोज कीजिए एक साबुन है, एक सोप है जो कि एक इंडस्ट्री में बन रही है, इस सोप को बनाने के लिए जितने वर्कर्स ने इसमें मेहनत करी है उस काम के बदले उन्हें सैलरी बहुत कम दी गई। पर यही सोप जब मार्केट में आ जाती है उसी सोप को खरीदने के लिए उसी वर्कर को ज्यादा पे करके उसी सोप को खरीद रहा है और जहां से इनकी जो जितनी अर्निंग होती है उनसे ये अपना केवल गुजारा मात्र चला पा रहे हैं, अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर पा रहे हैं। पर इसी इंडस्ट्री से कुछ मालिक वर्ग जो है उनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इससे समाज में दो कैटेगरी उत्पन्न हो गई, एक रिच एंड एक पुअर की, और रिच और रिच होते होते चले गए और पुअर होते चले गए। तो यहाँ पे सोशलिज्म का आइडिया यही रिच और पुअर के डिफरेंसेस खत्म करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जो बेनिफिट हो रहा है, जो इंडस्ट्री में बेनिफिट हो रहा है वो उसका लार्ज सेक्शन के और रिच के पास मिले, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है, जो पुअर है, जो सारा काम कर रहा है उसके पास कुछ नहीं हो रहा है। तो सोशलिस्ट आइडिया इन पुअर को या वर्कर्स को उनका हक दिलाना चाहते हैं। तो हम जैसे हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से, कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से यूरोप में दो कैटेगरी डेवलप हो चुकी थी, रिच और पुअर की, और जो सोशलिस्ट आइडिया थे वो पुअर वर्कर्स को उनका हक दिलाना चाहते थे। ये ज्यूस थे, इनके माता पिता ज्यूस थे, और ये प्रोलेटेरिएट यानी कि सर्वहारा यानी कि वर्कर्स जो सबका अपना सब कुछ हार चुके हैं, उनको उनका हक दिलाना चाहते थे। उनके दोस्त, जैसे कि हमने बताया था, उनके एक दोस्त थे फ्रेडरिक एंगल, जो जीवन भर उनके दोस्त रहे, वे भी एक जर्मन सोशलिस्ट थे, और ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल दोनों ही बहुत स्टूडियस थे। ये काफी घंटों तक लाइब्रेरी में बिताते थे, काफी सारी बुक्स पढ़ा करते थे और अपने आइडियाज को न्यूज़पेपर में स्प्रेड करते थे। इनके आइडियाज सोशलिज्म मार्क्सिज्म जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। इनकी एक फेमस बुक थी जिसका नाम था द दास कैपिटल, जिसमें इन्होंने लिखा था हाउ टू कट पावर एंड राइट्स इन कैपिटलिस्ट सिस्टम्स बाय प्रोलेटेरियट। इनकी जो बुक थी दास कैपिटल, इनमें एक्सप्लेन किया गया था हाउ टू कट पावर एंड राइट्स इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम बाय प्रोलेटेरियट। प्रोलेटेरियट मैंने आपको जैसे पहले बताया वर्कर्स यानी कि सर्वहारा वर्ग। उसके बाद इन्हीं दौरान इन्हें जो एग्जाइल सोशलिस्ट थे, जिनको अपनी वो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग जिनको अपने देश से निकाल दिया गया था उनको ज्वाइन किया। फ्रांस से भी इन्हें निकाल दिया गया इनके विचारों की वजह से, इन्हें जर्मनी से पहले निकाला गया जहां पे इनका जन्म हुआ था, अपने देश से इन्हें बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद अपने इनके विचार उन्होंने फ्रांस में स्प्रेड करना शुरू किया, वहां से भी इनको निकाल दिया गया। फिर ये गए ब्रुसेल्स, आपको पता है बेल्जियम की राजधानी, ब्रुसेल्स में गए, वहां पे रह के अपने काम करना शुरू किया, वहां के सोशलिस्ट के साथ मिले और कोलैबोरेशन किया। 1845 में ये ब्रुसेल्स छोड़ के दोबारा इंग्लैंड चले गए और अपने पूरा जीवन इन्होंने इंग्लैंड में बिताया। वहां पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चल रहा था, वहां इंग्लैंड में लोग चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम खत्म हो जाए, राजतंत्र खत्म हो जाए और डेमोक्रेटिक सिस्टम आ जाए। तो वहां पर इन्होंने काफी जर्नल्स लिखे, न्यूज़पेपर्स वगैरह लिखे। मार्क्स एंड हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड राइट मेनी बुक्स एंड देयर आइडियाज इन सोशलिज्म। इनकी एक और फेमस बुक है जिसका नाम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। इन्होंने एक पहली पॉलिटिकल पार्टी बनाई मार्क्स और एंजल्स से मिलकर, जिसका नाम था कम्युनिस्ट लीग, जो 1847 में बनाई गई थी। इन्होंने दोनों ने मिलकर अपने पूरा टाइम स्टडी करने में, पढ़ने में और राइटिंग्स लिखने में और अपने आइडियाज को स्प्रेड करने में लगाया। इनके जीवन काल में इनके आइडिया उतने ज्यादा स्प्रेड नहीं हुए जितने कि इनकी मौत के बाद इस आइडिया को पूरी दुनिया में काफी ज्यादा सराहा गया।
इनके विजन के इनके विजन का विरोध भी हुआ कि इनके विजन बहुत ही यूटोपियन है। यूटोपियन मतलब ऐसा कल्पना लोकी है जिसको पूरा नहीं किया, कल्पना कल्पना मात्र है, जिसे पूरा होना असंभव है। पर ऐसा नहीं हुआ, काफी देशों ने उनके विचारधाराओं को बाद में अपनाया। रशिया जिसने सबसे पहले इनके विचारधाराओं को अपनाया, रशिया काफी समय तक कम्युनिस्ट कंट्री रहा और उनके विचारों को आगे बढ़ाया लेनिन ने। और इन्हीं दिनों अमेरिका में अब्राहम लिंकन की सरकार आई और अब्राहम लिंकन की सरकार आप जानते हैं स्लेवरी सिस्टम को खत्म करना चाहती थी और कार्ल मार्क्स ने भी इसको सपोर्ट किया, वो भी स्लेवरी के अगेंस्ट थे। 64 इयर्स के एज में उनके उनका उनका निधन हो गया लंदन में। जिस टाइम उनका निधन हुआ, एक स्टेटलेस पर्सन थे। आप स्टेटलेस पर्सन मतलब आप जानते हैं कि जर्मनी के नागरिक थे, जर्मनी से वो फ्रांस गए, फ्रांस से वो ब्रुसेल्स गए और अपना जीवन लंदन में गुजारते रहे। इनके विचारों की वजह से, इनके विचारों के इतने रेडिकल्स थे जिसकी वजह से इन्हें वहां के जो लोग जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, नेता या राजनेता जो परिवर्तन नहीं चाहते इनको, इन्हें रहने नहीं देते थे। और 64 ईयर्स की उम्र में इनके लंदन में डेथ हो गई। इनकी डेथ के बाद इनके दोस्त जो फ्रेडरिक एंगल थे, इनके काफी अधूरी किताबों को, अधूरी रचनाओं को पूरा किया और इनके विचारों को आगे जाके लेनिन ने स्प्रेड किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेनिन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।